एक नया मुद्दा भी है जिसको तेजस्वी शायद स्मरण से उतर गया होगा, आजकल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है। बालकोट में जो मैंने हुआ घटना हो गई उसके बाद जो है देश में ये मैंने चलाया जाने लगा कि साहब मोदी ही ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं। वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और फिर जो है जो जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो आने लगा। तो फिर ये एक मिसाइल को मारने वाला जो बना है DRDO ने बनाया है उस पर जो है भाषण जो है शुरू हो गया। तो ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के समर्थक में जो मीडिया है वो जो असली मुद्दा है जनता का मुद्दा है, जो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों के सवाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको आने नहीं दे रहा है। इसको मैंने जो चुनावी डिस्कोर्स है उसमें उसको प्रवेश करने ही नहीं दिया जा रहा है। यानी एकदम इस ढंग से चलाया जा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का विरोध जो है वो देश का विरोध है। अभी अमित शाह कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी आज देख रहे थे उनका इकोनॉमिक टाइम्स में, उन्होंने कहा है कि अगर घुसपैठियों को निकालना है बाहर देश से तो फिर जो है नरेंद्र मोदी जी को दूसरा टर्म चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए तो भाई नहीं दे पाए हैं, दूसरे टर्म में हम देंगे, हमारे पास योजना है। किसानों को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमने आपसे कहा था माफ़ कीजिएगा, हम जो है उस वादा को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम इस बार ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं, हमने योजना बना रखी है, आप हमको एक मौका और दीजिए। इन सवालों पर चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा पर ऐसा कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा ऐसी सरकार बनी है माने जिसके हाथ में राष्ट्र की सुरक्षा जो है माने सुरक्षित है। भाई क्या बात कर रहे हो, ये माने पाकिस्तान के साथ तीन तीन युद्ध हो चुका, पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने टुकड़े में बांट दिया, दो एक देश पाकिस्तान दो देश में बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो ये माने अब जो है आप जिम्मा ले रहे हैं कि आपके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए जितनी भी सरकारें बनी उनको राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं था। आप जो है देश की जनता को बांट रहे हैं कि जो हमारा विरोधी है वो देशद्रोही है, जो हमारा समर्थक है वो देशभक्त है। इस देश में जो 130 करोड़ आबादी है वो एक एक आदमी देशभक्त है, अगरचे उसके खिलाफ कोई माने अन्यथा प्रमाण नहीं मिलता है। तो अच्छा, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जितने दागी उम्मीदवार हैं सिर्फ RJD उनको ही टिकट दे रही है, जैसे कि राजवल्लभ यादव की पत्नी को दिया, अनंत सिंह की पत्नी को दिया और भी कई लोगों को, हिना शाह को दिया, तो आरोप लग रहा है कि सिर्फ दागियों को ही टिकट दिया जा रहा है। वहाँ जो है क्या नाम है सिवान में किसको दिया है जनता दल यूनाइटेड ने? अजय सिंह की पत्नी। कौन है अजय सिंह भाई, कितना मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है? ये मैंने पत्नियों को टिकट देने का सिलसिला जो है वो नीतीश कुमार ने शुरू किया, जो वहाँ से कौन क्षेत्र है दरौदा या कौन क्षेत्र जहाँ से मैंने अजय की पत्नी जो है अजय कुमारे थे, मुकदमा था उन पर, उनको नहीं टिकट दे सकते थे, तो कहा कि भाई शादी करो और खरमास में शादी हुई। खरमास अशुभ माना जाता है, पंडित जी लोग कहते हैं खरमास अशुभ है, और उस लड़की के लिए तो खरमास ही शुभ हो गया। खरमास में शादी हुई, चुनाव लड़ी, MLA बन गई। अच्छा। तो ये सिलसिला जो है नीतीश कुमार ने शुरू किया है। आप याद कीजिए अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार जो है एकदम बिल्कुल 90 डिग्री झुक करके उनको प्रणाम करते हुए कितनी तस्वीरें हैं। उनके साथ थे क्या नाम है अनंत सिंह, तो दूध के धोए हुए थे, इधर आ गए तो बाहुबली हो गए। क्या है भाई एक ज़माने में ये सूरजभान सिंह उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं? कौन है सूरजभान सिंह भाई? या अभी नवादा में जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग कौन है भाई? ये कहने की बात है, कहने की बात है, ये सब जो है एक ही तरह के लोग हैं। अब चूंकि वो सत्ता में हैं उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है सत्ता के सहारे, इसलिए जो मन में आता है बोलते हैं। अच्छा, आज से मैं हूँ चौकीदार कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि सभी चौकीदार हैं। अब चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इतना ज़ोर से हल्ला हुआ है कि पूरी अपनी सरकार को ही उन्होंने चौकीदार बना दिया, अरे पूरे चौके मैंने सरकार को ही चोर बना दिया। क्या है भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जो है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप नीचे मत हटाइए। आपको देश की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, आप चौकीदार नहीं हैं, प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री का की जब आपदेही होती है
देश को चलाना और देश की जो समस्या है उसका समाधान करना। आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं देश की समस्याओं का, आपने बल्कि समस्याओं को बढ़ा दिया, आपने नोटबंदी करके बढ़ा दिया, आपने गलत ढंग से GST लगा करके बढ़ा दिया समस्या का समाधान। जनता आप गुस्से में है और उससे ध्यान भटकाने के लिए मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ मैंने ऐसा शासक जो न भूत में हुआ न भविष्य में होगा, हम ही देश को चला सकते हैं, हम ही देश की रक्षा कर सकते हैं। जो मुद्दा होना चाहिए जनता के बीच में, आप 5 साल सरकार चलाया है आपने, आपको जाके जनता के बीच में बताना चाहिए कि 5 साल में जो 14 में आपने वादा किया था उसमें से कितने वादे पूरे हुए, नहीं पूरे हुए तो क्यों नहीं पूरे हुए, आगे के लिए क्या योजना है, उसके आधार पर वोट मांगा जाता है। हम देख रहे हैं 1952 से चुनाव देख रहे हैं, 1952 के चुनाव में हम छोटे थे लेकिन अब उस चुनाव का भी हमको स्मरण है, 57 से तो एकदम बिल्कुल साफ साफ हमने देखा है। यही होता रहा है और ये बिल्कुल नई रवायत जो है शुरू कर रहे हैं। मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं जी, जनता के सवालों का मुकाबला नरेंद्र मोदी, अरे कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, रोजगार देंगे क्या? नोटबंदी से कितने लोग जो रोजगार में थे, छोटे मोटे धंधे में लगे हुए थे, उनका बंद हो गया। अब तो सारा कहा जा रहा है 2% GDP का लॉस हुआ। 1% GDP का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया GDP का नुकसान हुआ। और इसके अलावा मैंने अरबों रुपया जो है नोट की छपाई में, आप याद कीजिए सुदूर इलाके में एयरफोर्स के जहाज से भेजा जा रहा था रुपया, ये जो नया नोट निकला है उसका साइज ऐसा था कि ATM में अट नहीं रहा था, ATM के मरम्मत में कितना जो है खर्चा हुआ। तो इस तरह से मैंने नोटबंदी जो है वो एक ऐसा एडवेंचर था, सारे अर्थशास्त्री रिजर्व बैंक वगैरह सब कुछ लोग विरोध कर रहा था, ज़बरदस्ती इन्होंने लागू किया और उसका नतीजा जो है देश की जनता को भोगना पड़ा। 15 लाख रुपए का वादा किया था, क्या हुआ भाई? किसानों के बारे में इन्होंने कहा था कि आपके उपज का जो लागत है उसका 1.5 गुना हम दाम देंगे, क्या हुआ भाई? आपके राज मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर गोली चली है। तो आपने कोई वादा नहीं पूरा किया, आपके जैसा झूठा प्रधानमंत्री, जनता को ठगने वाला प्रधानमंत्री जो है देश में हुआ ही नहीं इतने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, और आप जनता को आज भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, आपने सारे मीडिया पर कब्जा जमा लिया है और जनता का जो अधिकार है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जब मीडिया स्वतंत्र होता है तो ऐसी हालत में हर पार्टी जो है अपनी बात जनता के सामने रखती है और जनता उसमें से चुनती है कि किसने किसके बेहतर कार्यक्रम है अगली सरकार के लिए, उसको वोट देती है। लेकिन आज जो है हालत ऐसी है कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है और ये बहुत चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव जो है संविधान को बचाने का चुनाव है। और हम एक बात अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको जो कुछ भी हासिल हुआ है लोकतंत्र से हुआ है, वोट के राज से हुआ है। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है संविधान खत्म हो जाएगा, फिर पुरनका राज आएगा और जहां आप थे वहां पहुंच जाइएगा। इस बात को वोट डालने के पहले हमेशा याद रखिए।